यूपी चुनाव के लिए अपनी चौथी रैली के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिजनौर में सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने दोनों पार्टियों के गठबंधन को दो कुनबों का गठबंधन करार देते हुए कहा कि एक कुनबे ने 70 साल तक देश को लूटा और दूसरे ने यूपी को। सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि अखिलेश काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो पुलिस को तैयार कर रहे थे, जो गुंडागर्दी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, जो एसपी सरकार के विरोधी थे। अखिलेश ने ऐसे विरोधियों की लिस्ट बनाने को कहा, लोगों को जेल में डाल दिया गया। श्रीमान अखिलेश, कान खोल कर सुन लो कि 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो सिर्फ नतीजे नहीं होंगे, आपका कच्चा चिट्ठा खोलने वाले होंगे। राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि आप गूगल में देखेंगे तो किसी और नेता पर इतने चुटकुले नहीं बने होंगे। वो ऐसी हरकतें करते हैं कि कांग्रेस नेता भी उनसे 10 फीट दूर रहना पसंद करते थे और अखिलेश ने उनसे गले लगा लिया। मुझे अखिलेश की समझदारी पर शक हुआ, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा, अखिलेश से मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं, पर कभी अखबार में पढ़ते थे तो लगता था कि पढ़ा लिखा नौजवान है, हो सकता है सीखने का प्रयास कर रहा है। मुझे आशा थी कि शायद राजनीति में कोई नौजवान धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। अपने संबोधन में पीएम ने कई बार एसपी कांग्रेस गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी पार्टी नहीं कुनबा है, ये दो पार्टियों का नहीं दो कुनबों का गठबंधन है, एक दिल्ली का दूसरा सैफे का।